मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी या फिर गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस बार सन 2023 में दिनांक 22 दिसंबर शुक्रवार को शैव समुदाय के लोग मोक्षदा एकादशी मनाएंगे। वहीं दिनांक 23 दिसंबर 2023 को वैष्णव समुदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। बात करें एकादशी तिथि की तो 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को प्रातः 8:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 7:12 एकादशी तिथि समाप्त होगी। वहीं मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ वस्तु खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन सफ़ेद हाथी की मूर्ति या फिर मछली की प्रतिमा खरीदते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। जी, ये मोक्षदा एकादशी जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। ये गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। गीता जयंती क्योंकि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी दिन दिया था अर्जुन को, इसलिए यह दिवस जो है गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन गीता भगवद गीता का पाठ करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। सिर्फ पाठ ही नहीं करना चाहिए, उसका मन याद मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसमें नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को पूजित होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी है। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण तो है इसमें गीता भगवद गीता का कुछ एकाध श्लोक जितना भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें, मनन करें। सिर्फ मनन ही नहीं करना है, सिर्फ चाहे आप दो ही श्लोक पढ़ें, उसको अपने जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण है। अरे जो ये सनातन धर्म की पुस्तक जो ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवद गीता, इसके पहले जो पहला श्लोक होता है, पहला श्लोक है जो गीता का, वह है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चय क्यों कुर्वंतु संजय। इसमें संजय धृतराष्ट्र अंधे थे क्योंकि, और जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में पूछ रहे हैं संजय से। संजय उसका आंखों देखा हाल, मतलब एक कमेंटेटर की तरह उनको बता रहे हैं क्योंकि वो तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए उनको युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और इसमें और महत्वपूर्ण कुल 700 श्लोक हैं भगवद गीता में जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनको सिर्फ मनन ही नहीं करना है, इसको अपने जीवन में भी उतारना है। जैसे दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में क्रोध के बारे में इसमें लिखा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिभंशो, स्मृतिभंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ऐसा लिखा गया है कि व्यक्ति को, किसी भी जीव को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोह उत्पन्न होता है जीव में, सम्मोह से स्मृतिभंश, स्मृतिभंश अर्थात उसकी मेमोरी डिलीट, नहीं आधुनिक भाषा में बोले तो मेमोरी डिलीट हो जाती है उसकी। मेमोरी डिलीट होती है तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा तो जीव स्वतः ही नष्ट हो जाता। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।